आज हम चैप्टर 6 के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्र द्वारा, और इसमें हम 1857 के विद्रोह के विषय में पढ़ेंगे और इसमें सामान्य कारणों के विषय में हम चर्चा करेंगे। सामान्य कारण आगे हम चर्चा कर रहे थे कि डलहौजी द्वारा अवध तथा कई अन्य राज्यों के अधिग्रहण के देशी रजवाड़ों के शासकों में खलबली मचा दी। अब उन्हें पता चला कि अंग्रेजों के प्रति उनके झुक झुक कर वफादारी जताने के बाद राज्य फैलाने की अंग्रेजों की भूख शांत नहीं हुई। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि अंग्रेजों की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा धक्का लगा। और कारण यह था कि भारतीय शासकों के प्रति अपने मौखिक या लिखित वादों या समझौतों को उन्हें बार बार तोड़ना पड़ा। कारण यह था कि वो जो है प्रतिष्ठा को धक्का इसलिए लगा कि वो जो है अपने वादों को बार बार तोड़ते थे। चलिए, और फिर इसके बाद क्या होता है कि 1856 में केनिंग यह घोषणा कर देता है कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके आगे जो है फिर पढ़ते हैं कि ब्रिटिश शासन के विरोध में जनता के खड़े होने का एक प्रमुख कारण लोगों की यह धारणा भी थी कि इस शासन से धर्म खतरे में है। धर्म पर उनको खतरा महसूस हो रहा था, जनता को धर्म पर खतरे की भावना, धार्मिक खतरे, तो कह सकते हैं धार्मिक खतरे के इनको महसूस हो रहे थे जो भी जनता थी। और यह था कि जो है ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां थी जो हर स्कूलों, अस्पतालों, जेलों और बाजारों में देखे जाते थे। ये मिशनरी लोगों की को ईसाई बनाने का प्रयास करते थे और तथा हिंदू धर्म और इस्लाम पर सार्वजनिक रूप से तीखा और भूंडा प्रहार करते थे। वे जनता की पुरानी और प्रिय परंपराओं और मान्यताओं की खुलकर हंसी उड़ाते थे और निंदा करते थे। साथ ही उन्हें पुलिस का संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने जब कुछ लोगों का सचमुच धर्म परिवर्तन कराया तो जनता को अपने धर्म में सामने उपस्थित खतरे का जीता जागता प्रमाण हो गया, यानी कि धर्म परिवर्तन ईसाई मिशनरियों के द्वारा अंग्रेजों के समय में। तो जनता को यह आशंका थी कि विदेशी सरकार इस मिशनरी की गतिविधियों को संरक्षण देती है, सरकार के कुछ कामों तथा बड़े अधिकारियों की कुछ गतिविधियों से इस आशंका को और बल मिला। और फिर 1850 में सरकार ने एक कानून बनाया जिसके अनुसार धर्म बदलकर ईसाई बनने वाले को अपनी पैतृक संपत्ति अधिकार में मिलना ईसाई बनने वालों को। और फिर इसके अलावा सरकार अपने खर्च पर सेना में ईसाई उपदेशक और पादरी रखती थी। अनेक नागरिक और सैनिक अधिकारियों को प्रचार को प्रोत्साहन तथा सरकारी स्कूलों और जेलों में ईसाई धर्म की शिक्षा की व्यवस्था करना अपना धार्मिक कर्तव्य मानते थे। और अनेक लोगों की रूढ़िवादी धार्मिक और सामाजिक भावनाएं उन मानवतावादी उपायों के कारण भी भड़की, जो सरकार ने भारतीय सुधारकों की सलाह पर किए। उनका मत था कि एक विदेशी सरकार ईसाई सरकार को उनके धर्म और उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं था। सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह संबंधी कानून तथा लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था इन लोगों को ऐसे ही अनाधिकारी हस्तक्षेप की तरह लगे। पहले के भारतीय शासकों ने मंदिरों, मस्जिदों से जुड़ी जमीनों को उनके पुजारियों या सेवा संस्थाओं से कर मुक्त रखा था। अब इन कर वसूलने की सरकारी नीति से भी लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट लगी। इसके अलावा इन जमीनों पर निर्भर अनेक ब्राह्मण और मुस्लिम परिवार गुस्से पर उबल उठे और यह प्रचार करने लगे कि अंग्रेज उनके धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। इस प्रकार से धार्मिक खतरे थे, ठीक है। और 1857 का जो विद्रोह था, कंपनी के सिपाहियों
के विद्रोह से आरंभ से आरंभ इसका जो है आरंभ कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह से आरंभ हुआ था। और यह देखना होगा कि सिपाही जिन्होंने अपनी निष्ठापूर्ण सेवा से कंपनी को भारत विजय में सामर्थ्य बनाया, जिन्होंने अच्छी प्रतिष्ठा तथा आर्थिक सुरक्षा प्राप्त की थी, एकाएक विद्रोही क्यों उठे। यहाँ पहली बात यह ध्यान में रखने की यह है कि सिपाही कुछ भी हों भारतीय समाज के अंग थे, इसलिए दूसरे भारतीयों पर जो गुजरती थी उसे ये भी कुछ हद तक महसूस करके दुखी होते थे। समाज के दूसरे वर्गों खासकर किसानों की आशाएँ इच्छाएँ और दुख दर्द इन सिपाहियों के बीच भी प्रतिबिंबित होते थे। यह सिपाही दरअसल वर्दीधारी किसान ही था। अगर ब्रिटिश शासन के विनाशकारी आर्थिक कृत्यों से उनके निकट संबंधी पीड़ित होते थे तो उस पीड़ा को ये सिपाही भी महसूस करते थे। वे भी इस सामान्य विश्वास से ग्रस्त थे कि अंग्रेज अनेक धर्मों में दखलंदाजी कर रहे थे और सभी भारतीयों को ईसाई बनाने पर तुले हुए थे। उनके अपने अनुभव भी इस विश्वास पर बल देते थे। वे जानते थे कि सेना में राज्य के खर्च पर ईसाई धर्मोपदेशक मौजूद थे। इसके अलावा कुछ ब्रिटिश अधिकारी भी सिपाहियों की अपनी धार्मिक या जातिगत शिकायतें भी थीं। उन दिनों भारतीयों की तरफ से सिपाहियों की का जाति या पंथ के चिन्हों के उपयोग पर दाढ़ी रखने या पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध था। 1856 में एक कानून बना जिसके अनुसार हर नए भर्ती होने वाले सिपाहियों को आवश्यकता हो तो समुद्र पार जाकर भी सेवा करने की जमानत देनी पड़ती थी। यानी कि समुद्र पार भी विदेश में भी सेवाएं देने पड़ती थी, पार सेवा सिपाहियों को। इससे भी सिपाहियों की भावनाओं को चोट पहुंची, क्योंकि उस समय की हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र यात्रा पाप थी और इसके दंड में किसी को जाति बाहर भी कर दिया जाता था। इस प्रकार से धार्मिक कतरे और सिपाहियों के साथ भी जो जिस प्रकार का भी शोषण था तो उससे उनकी भावनाओं को आहत लगा। सिपाहियों को अनेक दूसरी शिकायतें थी। अधिकारियों तथा सिपाहियों के बीच एक बड़ी खाई, भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव, भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव। भेदभाव होता था, भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव होता था। और ब्रिटिश अधिकारी सिपाहियों से अक्सर अपमानजनक व्यवहार, सिपाहियों से कैसा व्यवहार करते थे, अपमानजनक। एक तत्कालीन ब्रिटिश प्रेक्षक ने लिखा है कि अधिकारी और सिपाही परस्पर मित्र नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए अजनबी ही रहे। सिपाही को एक हीन प्राणी माना जाता था, उसे डांटा फटकारा जाता था, उसके साथ बुरा बर्ताव होता है, उसे निग्रो जैसा समझा जाता था। निग्रो के समान जो है वो लोग अंग्रेज अधिकारी भारतीय सिपाहियों के साथ निग्रो जैसा व्यवहार करते थे और उनको सुअर कह करके पुकारते थे। अगर भारतीय सिपाही अपने अंग्रेज समकक्ष जितना श्रेष्ठ योद्धा हो तो भी उसे कम पैसा दिया जाता था और अंग्रेज सिपाही से भी बुरे ढंग से रखा जाता था, खाया पिलाया जाता था। इसके अलावा उसकी पदोन्नति की आशाएं भी नहीं के बराबर थीं। कोई भी भारतीय 60-70 रुपये मासिक पाने वाले सूबेदार से ऊपर नहीं उठ सकता था। वास्तव में सिपाही का जीवन ही कठिनाइयों से भरा था। स्वाभाविक था कि सिपाही इस बनावटी तथा उन पर लादी गई हीनता से खुश नहीं थे। जैसा कि ब्रिटिश इतिहासकार T.R. Holmes ने लिखा है, अब T.R. Holmes ये कहते हैं कि अगर वह हैदर जैसे बहादुरी का परिचय दे भी तो वह जानता है कि एक मध्य स्तरीय अंग्रेज अधिकारी या जितना वेतन नहीं पा सकता और लगभग 30 वर्षों की निष्ठापूर्वक सेवा करने के बाद जो पद वह प्राप्त करेगा वह भी उसे इंग्लैंड से नए नए आए किसी भी रंगरूट की हुक्म अदायगी से सुरक्षित नहीं कर सकेगा। एक किसके कथन है, ये ब्रिटिश इतिहासकार T.R. Holmes ऐसा कह रहे हैं।
और फिर सिपाहियों के असंतोष का एक तत्कालिक कारण था हाल में वह आदेश कि सिंध या पंजाब में तैनाती के समय उन्हें विदेश सेवा भत्ता नहीं मिलेगा। विदेश सेवा भत्ता से उनको वंचित कर दिया गया। इस आदेश के कारण अल्पसंख्यक सिपाहियों के वेतन में बड़ी कटौती हुई। अनेक सिपाहियों का घर था, उनके हड़पे जाने के कारण उनकी भावनाओं को आग की तरह भड़का दिया। भड़काना और अवध पर कब्जा। वास्तव में सिपाहियों के असंतोष के पीछे एक लंबा इतिहास रहा है। बंगाल में बहुत पहले 1764 में ही एक सिपाही विद्रोह घटित हुआ। विद्रोह घटित हो चुका था। अधिकारियों ने क्या किया था, 30 सिपाहियों को उड़ा दिया था। 30 सिपाहियों की हत्या, गोलों से 30 सिपाहियों को उन्होंने जो है तोपों के मुंह पर बांध करके उड़ा दिया था 1764 में। और इस प्रकार विद्रोह को दबा दिया गया था। और 1806 में वेल्लूर में सिपाहियों ने विद्रोह किया था। मगर भयानक हिंसा का सहारा लेकर इसे दबा दिया गया था और कई सौ सिपाही युद्ध में मारे गए थे। और फिर 1824 बैरकपुर बहुत महत्वपूर्ण है। बैरकपुर में सिपाहियों की 47वीं रेजिमेंट रेजिमेंट के समुद्री रास्ते से बर्मा जाने से इनकार करने पर वह रेजिमेंट तोड़ दी गई थी। और उसके निहत्थे सिपाहियों पर तोपखाने से गोले बरसाए गए थे। और सिपाहियों के नेताओं को फांसी दे दी गई थी। और अठारह सौ चौवालीस में वेतन भत्ता के सवाल पर 7 बटालियनों ने विद्रोह किया था। 1844 में क्या हुआ था, वेतन भत्ता को लेकर के 7 बटालियन द्वारा 7 बटालियनों द्वारा विद्रोह किया गया था। और इसी तरह अफगान युद्ध से कुछ पहले अफगानिस्तान में तैनात सिपाही विद्रोह करने वाले ही थे। सेना में व्याप्त असंतोष को समाप्त करने के लिए एक मुसलमान और हिंदू सूबेदार को गोली मारी गई थी। सिपाहियों में असंतोष इस कदर व्याप्त हो चुका था कि 1858 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर हेड्रिक हेलिडे
में फ्रेडरिक हेलिडे को कहना पड़ा था कि बंगाल की फौज कमोबेश बागी। कमोबेश बागी और हमेशा विद्रोह के लिए तैयार थी और तय है कि कभी न कभी अगर संयोग बस उत्तेजना तथा अवसर मिले तो वह विद्रोह कर बैठती। इस तरह बड़ी तादाद में भारतीय जनता तथा कंपनी के सिपाहियों के बीच विदेशी शासन के प्रति व्यापक और तीखी नापसंदगी बल्कि घृणा भी मौजूद थी। आगे चलकर सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक काजेज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी मिनटी में इस भावना को व्यक्त किया गया कि धीरे धीरे यह सोच भारतीयों की आदत बन गई कि सभी कानून उन्हें नीचे गिरने और तबाह करने और उन्हें तथा उनके देशवासियों को उनके धर्म से वंचित करने की दृष्टि से बनाए गए थे। अंत में एक समय वह आया कि जब सभी लोग अंग्रेज सरकार को एक धीमा जहर रेत की रस्सी या आग की घातक लौ समझने लगे, वे यह मानने लगे कि अगर आज वे सरकार के चंगुल से बच निकले तो कल तो वे ही फंसेंगे और अगर कल भी बच निकले तो तीसरे दिन उनकी बर्बादी अस्वयंभावी है। लोग सरकार में परिवर्तन होते हुए देखना चाहते थे और ब्रिटिश शासन की जगह दूसरे शासन के आने के विचार से दिली खुश महसूस करते थे। इस तरह दिल्ली में विद्रोहियों द्वारा जारी एक घोषणा पत्र में कहा गया था कि पहली बात यह कि हिंदुस्तान में जहां 200 रुपये मालगुजारी होना चाहिए वहां उन्होंने 300 रुपये वसूलने हैं और जहां 400 होना चाहिए वहां 500 रुपये खसोटने हैं। और अभी वे अपनी मांगें बढ़ाते हुए अड़े हुए थे। उन्होंने दूसरे चौकीदारी टैक्स को 2 गुना 4 गुना और 10 गुना बढ़ा दिया। वे जनता को तबाह करना चाहते हैं और तीसरे सभी प्रतिष्ठित और विद्वान लोगों की रोजी मारी गई है तथा लाखों लाख लोग जीवन की आवश्यकताओं से वंचित हैं। जब रोजी की तलाश में कोई एक जिले में से दूसरे जिले में जाना चाहता है तो वह हर प्राणी पर सड़क की चुंगी का परिणाम पर 6 पाई ले जाता है। उसे हर गाड़ी के पीछे से 4 से 8 आने तक देने पड़ते हैं। केवल वे ही लोग ये सब चुकाते हैं जो सार्वजनिक सड़कों पर यात्रा करने की छूट पाते हैं। हम अत्याचारों के दमन का कहाँ तक वर्णन करेंगे। धीरे धीरे स्थिति यहाँ तक आ गई कि यह सरकार हर व्यक्ति का धर्म नष्ट करने पर तुल चुकी है। अठारह सौ सत्तावन का विद्रोह ब्रिटिश नीतियों और साम्राज्यवादी शोषण के प्रति जन असंतोष का उभार। असंतोष का उभार था, परंतु यह आकस्मिक घटना नहीं थी। लगभग एक शताब्दी तक पूरे भारत में ब्रिटिश आधिपत्य के विरुद्ध तीव्र जन प्रतिरोध होते रहे थे। बंगाल और बिहार में जैसे ही ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गए और जैसे जैसे यह नए क्षेत्रों को जीतता गया वहाँ भी विद्रोह फूटते गए और देश के किसी न किसी भाग में सशस्त्र विरोध के बिना शायद ही कोई साल या एक बड़े विद्रोह के बिना शायद ही कोई दशक गुजरा हो। और 1763
1763 से 1856 के बीच 40 से अधिक विद्रोह हुए थे और इन विद्रोहों के नेतृत्व अक्सर राजे और नवाब, जमींदार भूस्वामी और कौन पोलीगार करते थे। मगर लड़ने वाली फौजों में किसान, दस्तकार, जमींदारों और पोलगारों के भूतपूर्व सैनिक होते थे। ये लगभग निरंतर चलने वाले विद्रोह कुल मिलाकर बहुत बड़े भयानक होते थे, मगर अपने प्रसार में ये पूरी तरह स्थानीय तथा एक दूसरे से असंबद्ध होते थे। उनके प्रभाव भी स्थानीय होते थे, स्थानीय प्रभाव होते थे। तो इस प्रकार से सामान्य कारणों का खत्म होते हैं। अब इसके बाद फिर आते हैं तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण को हम अगले के वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।